तो आज जो जो मेरे पास इंस्टा पे क्वेरीज आई हैं जो मैं इंस्टा पे ऑलरेडी आई थिंक मोस्टली सबको उनकी क्वेरीज का बता चुका हूं पर लेकिन आज जो जो क्वेरीज मेरे पास आई हैं पुरानी वीडियो के साथ और अभी सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और सिर्फ क्वेरीज ही नहीं सिर्फ हॉस्टल के रिलेटेड ही क्वेरीज नहीं पर लेकिन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी मैं करने वाला हूँ यानी कि ओवरऑल होने वाली है वीडियो इन्फॉर्मेशन अबाउट पारुल ठीक है शुरू करें चलो फिर स्टार्ट हम करते हैं पहले हॉस्टल के बारे में हॉस्टल जो है मैंने पिछली वीडियो में भी कवर कर रखा है जिसने नहीं देखी पहले जाके वो देख लो ना यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा हॉस्टल जो है ये यह हॉस्टल यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं थ्री शेयरिंग फोर शेयरिंग और काफी फोर शेयरिंग ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ बीच में सिर्फ पार्टीशन है वैसे वो ओरिजिनली एट शेयरिंग है जो की अटल आजाद ठीक है तो अटल बी और आजाद अगर ये इसमें फोर शेयरिंग मिल रहा हो तो आपको ओरिजिनली एट शेयरिंग ही मिलने वाला है उसमें तो इनकी फीस भी कम है नॉन एसी और एसी दोनों में अवेलेबल है सबसे जो पास है और सबसे जो प्रीमियम हॉस्टल है एक तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो की टैगोर सी अगर मेरे पास मेरे को मिला ब्रशोर जो हॉस्टल फीस वगैरह का है तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन आगे लगा दूंगा जो की मैं पिछली वीडियो में लगाना भूल गया था एडिटिंग के वक्त भी पर लेकिन अब लगा दूंगा तो जाके वो देख लेना अगर किसी को लेना हो क्योंकि अब ले, अब तक तो लेकिन शायद हॉस्टल बुकिंग बंद हो चुकी है तो अगर नेक्स्ट ईयर जो आने वाले हैं उनके लिए ये ये यूजफुल रहेगी वीडियो पर लेकिन ब्रोशर नहीं क्योंकि वो शायद वीडियो प्राइस अपडेट हो जाएगा तब तक लग तो यही रहे अगर ना हुआ तो वो आपकी किस्मत तो यहाँ पे आगे मैं बता दूंगा जो थ्री शेयरिंग में आते हैं हुए है शास्त्री टैगोर और ध्यान मिल्खा ठीक है ये जो आते हैं ये थ्री शेयरिंग में आते हैं शास्त्री जो है मेरे हिसाब से जैसे मैंने सुना है मैं कभी गया तो नहीं शास्त्री में पर लेकिन जो शास्त्री है वो सबसे पुराना हॉस्टल बना हुआ है जो सबसे प्रीमियम हॉस्टल है फिलहाल वो है टैगोर बी क्योंकि टैगोर सी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो नया बनने के बाद सबसे प्रीमियम उसी को माना जाएगा इन टैगोर ए टैगोर बी और टैगोर सी की फीस जो है वो सेम है और जो एसी वाले आने वाले हैं तो उनके लिए फीस जो होगी वो एक लाख से ऊपर ही होने वाली है ऑब्वियसली और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंडेबल है जब आप हॉस्टल छोड़ के जाओगे वो आपका बाईस हजार कुछ का होने वाला अगर बढ़ा दिया हो तो आई डोंट नो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर बढ़ा दिया हुआ तो बाईस हजार है जो कि रिफंडेबल है बाईस हजार में से इक्कीस हजार पांच सौ वापस मिलेगा मेंटेनेंस काटने के बाद जो कि मैंने अभी भर के आया हूँ प्रोसेस तो मैंने रिकॉर्ड करी क्योंकि तब मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे एग्जाम खत्म होने के बाद डायरेक्ट मैं बाहर आ गया तो अभी फ्लैट शिफ्टिंग वाली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हॉस्टल लिविंग वाली ही आने वाली है तो हॉस्टल से सबसे ज्यादा पास जो है वो ध्यान होने वाला है हो एडमिन के पास जो अगर बीटेक वाले आ रहे हैं ठीक है बीटेक वालों के और फार्मेसी वालों के सबसे पास होने वाला टैगोर ध्यान और शास्त्री ठीक है ये तीन हॉस्टल जो है वो सबसे पास है ये बिल्कुल बीच में है जहां से आपको सब कुछ पास पड़ने वाला है सबसे दूर जो है वो टैगोर सी और अटल ठीक है अटल के सामने कैंटीन है और लेकिन पर लेकिन वो बंद हो जाती है नौ बजे ही अटल की खुद की कैंटीन है वहां पे लड़कियां वगैरह कुछ नहीं आती ठीक है सिर्फ दिन में आती हैं छह बजे के बाद वहां लड़कियों की एंट्री नहीं है पता नहीं क्यों और रही गेट पास की बात जो हॉस्टल में से बाहर जाने वाले हैं जो कि काफी मेरे को क्वेरी आती है मैंने शायद ये पिछले वीडियो में भी रिजोल्व कर दी थी शायद तुम लोगों ने पूरी वीडियो देखी ना हो गेट पास जो है वो आपको पेरेंट्स की परमिशन के साथ मिलेगा से से मैक्स मैक्स टू दिन दिन का का मिल सकता है पेरेंट्स की परमिशन के साथ और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको एच के साइन चाहिए अपने लीव लेटर पे चाहे छुट्टियां हो चाहे वेकेशन हो जो मर्जी हो तीन दिन से ऊपर का गेट पास आपको रेक्टर नहीं देने वाला बिना एच के साइन के बिना अपने लीव पे तो पहले वो करवा लेना एचओडी आपसे रीजन पूछेगा कहाँ जाना है क्यों जाना है अगर बिना लीव बिना हॉलीडेज के जा रहे हो

अगर आपके पास वैलिड रीजन और परमिशन है तो और जो रही हॉस्टल किट की बात हॉस्टल किट की लिस्ट तो मेरे पास फिलहाल नहीं है पर तो लेकिन क्या कुछ मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ एक आपको मिलने वाली है ब्लैंकेट ठीक है ब्लैंकेट मेरे फ्लैट में पड़ी है अगले किसी पिछले मेरे व्लॉग्स में देखी होगी आपने वो ब्लैंकेट कैसी है वो सिल्क टाइप की है वो एक ब्लैंकेट मिलेगी एक पिलो कवर मिलेगा एक पिलो मिलेगा नया एक बकेट मिलेगी मग मिलेगा साथ में साथ में एक किट मिलेगी जिसमें आपको ब्रश मिलेगा शैम्पू मिलेंगे और टूथपेस्ट तो मिलेगी और जो गद्दे वगैरह हैं वो ऑलरेडी रूम्स में होते हैं अगर नहीं हुए तो आप अपने बेड का जो गद्दा है वो रेक्टर के पास जाके ले सकते हैं आपको चेयर्स वगैरह है जो आपको जो चेयर्स वगैरह हैं वो अलॉट की जाएंगी आपके रूम में ही होगी वैसे तो अगर नहीं है तो आप रेक्टर को जाके बोल सकते हो आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी कंप्लेन है तो आप रेक्टर को जाके बोल सकते हो ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको रेक्टर खा जाएगा रेक्टर काफी ज्यादा फ्रेंडली है क्योंकि अब तो शायद आर्मी वाले आ रहे हैं

आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हॉलीडेज कैलेंडर क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सिर्फ आई थिंक एक हफ्ते की छुट्टी मिलने वाली है वो भी अगर आपकी किस्मत हुई तो वरना फर्स्ट सेमेस्टर के बाद छुट्टी नहीं होगी सेकंड सेमेस्टर के बाद छुट्टी भी नहीं होने वाली हमें भी नहीं हुई थर्ड सेमेस्टर के बाद भी छुट्टी नहीं है हमें सिर्फ दो दिन की सैटरडे संडे की छुट्टी है और सीधा फोर्थ सेमेस्टर के बाद छुट्टियां मिलेंगी यानी कि सेकंड ईयर के बाद ही तुम छुट्टियां एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रॉपर यूनिवर्सिटी की तरफ से ठीक है नवरात्रि पे आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली है सिर्फ दिवाली पे छुट्टी मिलेगी न्यू ईयर भी ये, ये लोग खुद सेलिब्रेट करते हैं अंदर ही छुट्टी शायद होती है न्यू ईयर की तो छुट्टी होती है थर्टी की छुट्टी नहीं होती वन की छुट्टी होती है हर जो फेस्टिवल है पारुल सेलिब्रेट करता है हर टाइप का ईद हो गया चाहे जो भी हिंदू फेस्टिवल है फिर जो भी मुस्लिम फेस्टिवल है जो क्रिश्चियन फेस्टिवल है सारे वो पारुल सेलिब्रेट करता है खुद से अंदर कैंपस के अंदर पर उस दिन छुट्टी नहीं मिलती आपको जिस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे होती है या मेजर हॉलीडे होती है तभी आपको छुट्टी मिलती है उस दिन वरना आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली किसी भी छोटे मोटे फेस्टिवल पे वो खुद लोग खुद सेलिब्रेट कर लेंगे उसके बाहर एडमिन के पास या फिर जो डिजाइन बिल्डिंग का ग्राउंड है वहां पे शाम को या रात को और रही धूम की बात धूम हमारा एनुअल फेस्टिवल है यूनिवर्सिटी का जो कि दो तीन दिन आराम से चलता ही चलता है नए नए स्टार्स आते हैं और वैसे भी न, यहाँ पे पारुल में पारुल सबसे ज्यादा फेमस ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स बहुत होते हैं और स्टार्स फिल्म स्टार टीवी स्टार्स बहुत ज़्यादा आते हैं अभी फाइव फिलहाल ही आके गए आप जाके नाइन की वीडियो देख सकते हो मेरी मेरे चैनल पे नाइन के चैनल पे नहीं ठीक है तो मैस कहाँ बता दूं आपको एक मेस कार्ड मिलता है पहले शायद आपको वो मिलेगा क्या बोलते हैं कार्ड बोर्ड का इतना सा कार्ड मिलेगा आपको उस पर आपकी फोटो होगा रेक्टर का साइन होगा स्टैंप होगा और वो खोने पर आपको हंड्रेड रुपीज फाइन है फाइन इन द सेंस रि, रिन्यू क्या बोलते हैं रीश्यू करवाने के लिए हंड्रेड रुपीज लगेंगे उस पर आपको और उसके बाद कुछ टाइम के बाद कुछ महीनों के बाद आपको प्रॉपर आईडी कार्ड की तरह मेस कार्ड मिलेगा और मेस कार्ड के बिना एंट्री नहीं है मैस में अगर जाओगे रेक्टर के साथ अच्छी बनती है जाने देगा वरना आपको नहीं जाने देगा हर हॉस्टल के ऊपर एक अपनी कैंटीन है जो कि रात के ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक ओपन रहती है ठीक है तो आप जा सकते हो वहां पे और अगर कोई वहाँ पे आपको एम एफ एफ मिला वो दिक्कत कर सकता है वो बोलेगा कि परमिशन लेके आओ फिर जाने देंगे ऊपर नौ दस बजे के बाद ठीक है हो, वो रूम डिलीवरी भी करते हैं होम डिलीवरी नहीं रूम डिलीवरी भी करते हैं उनको कॉल कर दो वो आपसे पार्सल के चार्जेस लेंगे डिलीवरी चार्जेस लेंगे वो आपके रूम पे पकड़ा जाएंगे आपको ऊपर लेकिन बेटर यही रहता है कि यार ऊपर चले जाओ लिफ्ट नहीं है तो फिर क्या हुआ एटलीस्ट रुपए तो बचेंगे ऊपर चले जाओ और ले आओ ठीक है खाना ठीक ही बनता है इतना नहीं नहीं में भी आप आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते और जो मेस मेन्यू है वो काइंड ऑफ सेम सा ही रहता है मैं अगर मेरे पास हुआ तो मैं यहाँ पे अगले क्लिप में डाल दूंगा एज यूजल क्योंकि अगली क्लिप में डालता हूँ हर बार यहाँ डाल दिया तो फिर पूरा ही नहीं आने वाला वो ना किसी को दिखने वाला है तो अगली आप अभी जाके मेन्यू देख के हो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो उस ले है।, है।, तो है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हर संडे एक स्पेशल मेन्यू बनता है स्पेशल मेन्यू तो क्या ही तो कढ़ी चावल होंगे छोले चावल होंगे छोले पूरी होगी आलू पूरी होगी आलू चावल होंगे या फिर साथ में वो किसी ने खाए हमारे वहाँ तो हमारे यहाँ तो उसको मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं पंजाबी में मेरे को मालूम है क्या बोलते हैं पर लेकिन अगर मेरी बहन ने ये वीडियो देखी वो मेरे को बोलेगी अनपढ़ों की तरह क्यों बोल रहे हैं पर लेकिन हमारे वहाँ उसको पोपले बोलते हैं हमारे यहाँ इन पत, जो किसी ने खाए होंगे छोटे होते हैं फ्राइम्स वगैरह खाए होते हैं जो कि उंगलियों पर चढ़ा के खाते थे लंबे लंबे याद हो किसी को तो वो मिलते हैं और पापड़ वगैरह मिल जाता है हर संडे हर संडे हाँ, मैं जब था तब डिनर नहीं मिलता था मैस में अब तुम जब आ रहे हो तुम्हारा नया बैच आ रहा है तो फिर अभी मैसेज आया था कुछ टाइम पहले जून में उसमें लिखा था कि अब जुलाई से मैस में रात को खाना मिलेगा संडे को भी मैस बंद नहीं रहेगी तो कुछ तो आपको वो मिला है मतलब फायदा मिला है और रही गर्ल्स हॉस्टल की बात गर्ल्स हॉस्टल में अगर मेरी कोई दोस्त अभी वहां पे हुई तो मैं उसको बोल दूंगा कि मेरे को तेरे गर्ल्स हॉस्टल की जो है रूम वगैरह की क्लिप मेरे को भेज दे तो मैं गर्ल्स सोशल का भी रूम टूर इसी में डाल दूंगा जाके दे, देख देख लेना आप लोग अगर मेरे को क्लिप मिली तो ही डालूंगा अब आते हैं हम यूनिवर्सिटी की बात पे यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वन फिफ्टी प्लस एकड़स में बना हुआ है ठीक है आजाद वालों थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो तो भरी दोपहर में तुम्हें क्लासेस लगाने जाना पड़ेगा उधर क्योंकि हमारे बस सर्विस या फिर कार सर्विस कुछ नहीं है जो बड़ी इलेक्ट्रिक बसेस हैं पार्ल में चलती हैं वो शायद बिठा लें पर लेकिन मेजरली वो भरी रहती हैं तो फिर पैदल ही आना पड़ता है तो अपने अम्ब्रेला साथ में लेके आना और थोड़ी मजबूत लेके आना क्योंकि हवा कई बार इतनी तेज चलती है कि अम्ब्रेला टूट जाता है मेरे खुद के दो टूट चुके हैं तो अम्ब्रेला साथ लेके आना अम्ब्रेला इज अ मस्ट थिंग विद यू टू ब्रिंग विद यू ओके फार्मेसी में बहुत नाम कमाया है पारोल यूनिवर्सिटी में रैंकिंग भी काफी अच्छी है पारोल यूनिवर्सिटी की फार्मेसी में ऐसा नहीं है कि और चीजों में पीछे है इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छी है सिवी रमन जो लैब है बहुत बड़ी लैब है एट फ्लोर सेवन फ्लोर की कंप्यूटर लैब बनाई है इन लोगों ने अभी जस्ट नई शायद मेरे सुनने में आया कि सबसे बड़ी लैब है बीच में एप्पल का भी है जो आईओएस डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी फैसिलिटीज हैं आई मैक वगैरह रखे हुए हैं उधर पर लेकिन वहां जो मेजर क्लासेस हैं जो उसके साथ बना हुआ है नया जो बना है क्लासेस वगैरह शहीद भगत सिंह भवन वहाँ पे बी और ए वालों की, और वालों की मेजर्स वहां, वहीं पे क्लासेस और बी एस सी वालों की भी वहीं पे क्लासेस लगती हैं हमारी जो बीटेक वाले हैं उनकी सेकंड ईयर में आके लगेंगी उनका टाइम भी चेंज हो सकता है जो मास्टर्स वालों की क्लासेस है वो सुबह की होती हैं बीबीए वालों की क्लासेस है वो भी सुबह का बैच होता है जो कि साढ़े सात से ढाई बजे तक होता है या फिर बारह बजे तक भी होता है कई लोगों का जिनकी क्लासेस कम होती हैं ठीक है तो ये मानकर चलना अगर आप बीबीए ले रहे हो या फिर बी सी बीसीए वगैरह भी ले रहे हो अगर या फिर आप मास्टर्स करने आ रहे हो एमसीए वगैरह तो फिर आपका सुबह का बैच होने वाला है वहां पे बैचेज शिफ्ट डिवाइड होते हैं कईयों का आफ्टरनून शिफ्ट भी होती है और कईयों की मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है फर्स्ट शिफ्ट भी होती है सेकेंड शिफ्ट भी होती है तो कोई भी आप शिफ्ट आपको मिल सकती है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से बैच में हो बीटेक वालों को सेकंड ईयर में भी शायद वो सिर्फ स्पेशलाइजेशन वालों को एआई वालों को ही सुबह का बैच मिलेगा बाकी सबका नाइन फोर्टी फाइव टू फोर फोर्टी फाइव ही टाइमिंग होने वाला तो इस हिसाब से अपना शेड्यूल बना के चलना और जो होते हैं फर्स्ट ईयर में आपको ब्रेक्स वगैरह बहुत मिलने वाले हैं छुट्टियां नहीं मिलने वाली क्लासेस ब्रेक मिलने वाले हैं जैसे कि लाइब्रेरी पीरियड वगैरह जो होता है वो स्टार्टिंग में एक आधा महीना आपको बोलेगा सी यार लगाओ वरना आप लाइब्रेरी पीरियड में बाहर पार्क वगैरह में या कैंटीन वगैरह पे जाके बैठ सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन भी बहुत सारी हैं नई बन रही है बाकी आप लोगों ने जिन्होंने नहीं, नहीं चेक किया वो पारुल का इंस्टाग्राम पेज जाके चेक करो बहुत सारी नई चीजें बन रही हैं क्योंकि पारुल अभी अंडर डेवलपमेंट है तो जाके देख लेना क्या कुछ नया बन रहा है ये लोग स्विमिंग पूल वगैरह भी बना रहे हैं पहले बना हुआ था पर लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था हमारी बारी में ठीक है भाई और जो लोग गुजरात आ रहे हैं तो भाई अपना देख के आना क्योंकि गुजरात हद से ज्यादा महंगा है ठीक है इन चीजों में बहुत चीजें महंगी मिलने वाली है आपको स्पेशली फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे अगर कोई आता है दर्जन के हिसाब से कि भाई केले दर्जन में मिलते हैं यहाँ पर आके ये वह मत रखना यहाँ पे आपको किलो में मिलेंगे केले ठीक है बनाना जब आप आओगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टेम्परेरी आईडी मिलने वाली है यूजी आईडी मिलेगी आपको अगर कोई अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है उन्हें पीजी आईडी मिलेगी वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी वही वैलिडेटेड रहेगी जो परमानेंट आपका एनरोलमेंट नंबर है वो सेकंड सेमेस्टर में ही मिलने वाला है ठीक है और, और आप लोग आ रहे हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट करवा के लाना यार एडमिशन के टाइम ठीक है प्रिंट इन द सेंस फोटो कॉपी वगैरह रखना अपने पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी एक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा अपने नॉर्थ साइड वालों के लिए डोमिसाइल स्कॉलरशिप भी है इसमें आपको कुछ परसेंट लेस मिल जाएगा पहली फीस में सिर्फ फर्स्ट ईयर की फीस में सेकंड ईयर की फीस में नहीं मिलने वाला अगर सेकंड ईयर में भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो वो आपकी परफॉर्मेंस बेस पे होता है आपकी सीजीपे के बेस पे होता है कितनी परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और ट्वेल्थ के बेस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है वो आके ले सकते हो सारी स्कॉलरशिप जो आप आते वक्त यहाँ पे लोगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ईयर के लिए ही वैलिड रहेंगी उससे ज्यादा वैलिड नहीं रहेगी और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इंस्टा पे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ मेजरली मेजरली क्या हंड्रेड परसेंट सबको रिप्लाई करता हूँ इंस्टा पे जाके देख इंस्टा पे मैसेज करो अगर किसी की को कोई क्वेरी रह गई हो तो मैं वहां पे आपको मैसेज कर दूंगा रिप्लाई बैक कर दूंगा लेकिन भाई यार देखो मैं अपना ना व्हाट्सअप नंबर दे सकता हूँ ठीक है कई लोग आगे मांगते हैं नहीं भाई मैं अपना नंबर भी नहीं दे सकता व्हाट्सएप नंबर भी नहीं दे सकता और ना ही मैं आपका इंस्टा पे कॉल वगैरह उठा सकता हूँ भाई देखो कमेंट कर रहे हो तुम लोग मेरे पेरेंट्स भी मेरा चैनल देखते हैं ठीक है मेरी वीडियोस देखते हैं मेरे पेरेंट्स ओपन है नहीं दिक्कत पर लेकिन एक बंदा मेरे को पूछ रहा कि भाई कॉलेज में प्यार व्यार हुआ देख प्यार व्यार नहीं हुआ ना हो सकता है ठीक है तुम लोग समझ लेना क्यों नहीं हो सकता अपना है ही नहीं प्यार व्यार के रिलेटेड ठीक है मैं ये सब आपकी क्वेरीज का ही जवाब दे रहा हूँ वरना कोई वैसे मत बोलना कमेंट्स में जाके भाई तेरे से किसी ने पूछा नहीं था पूछा है मैं आपको स्क्रीन शॉट डाल सकता हूँ ठीक है रही बात कमेंट्स, के, कमेंट्स की के यूट्यूब कमेंट्स पे की क्वेरीज जितनी थी वो मैंने बता दी एक रहती है कि वेदर का भाई सारा साल गर्मी रहने वाली है यहाँ पे सर्दी के कपड़े ज्यादा मत उठा के लाना बस एक दो हुडीज ले आना आपका काम हो जाएगा ठीक है या फिर विंड चीटर ले आना ज्यादा मेजरली हवा की वजह से रात को ही ठंड लगती है और सुबह ठंड लगती है वरना सारा साल आपको ए सी यूज करना ही पड़ेगा अपने साथ मेजरली कंपल्सरी नेसेसरी ठीक है जितने भी सरी होते हैं वो लगा के एक फॉर्मल अटायर लेके आना अपने साथ फुल फॉर्मल अटायर ठीक है बीटेक वालों ये कंपलसरी है बीबीए वालों को उनकी यूनिफॉर्म मिलती है ठीक है हमारी बीटेक वालों की कोई यूनिफॉर्म नहीं है पर लेकिन अगर प्रैक्टिकल वगैरह आपको देने जाना है आपका जो इंग्लिश का आता है वो आपको आएंगे कॉम्युनिकेशन स्किल्स और ए सी टी डब्ल्यू वगैरह सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आएंगे जो है वो आप पारुल की यूनिवर्सिटी पारुल की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन लोगों ने अपना देख रखा है करिकुलम क्या कुछ होने वाला है बीटेक में वो आप लोग जाके देख सकते देख सकते हो जब उसका प्रैक्टिकल होता है तब तो आपको फॉर्मल पहन के जाना पड़ता है फॉर्मल अगर नहीं पहन के गए तो उसके मार्क्स कटते हैं ठीक है ना फॉर्मल लेते हैं और कोई भी अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो यहाँ पे जो कि बीटेक वाले भी कोऑर्डिनेशन वगैरह में जा सकते हैं जैसे हम लोगों ने की थी धूम में तो वहाँ पे हमें फॉर्मल ही पहनना पड़ा फॉर्मल हमारे पास तो था नहीं तो फिर हमने दोस्तों से मांगा पारुल का खुद का पर्सनल थिएटर है ओपन थिएटर है ठीक है और पारोल में जो कैपिटल है या फिर ग्रीनरी है वहां पे जैमिंग होती रहती है ठीक है म्यूजिकल जैमिंग और जब कोई इवेंट आने वाला होता रहता है ना तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको पब्लिक में परफॉर्म करने का भी मिलता है चांस मिलता है तो वहां जाके आप परफॉर्म भी कर सकते हो ठीक है अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है वहां परफॉर्म करके आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कोऑर्डिनेटर्स पार्टिसिपेट करवाने वाले तो हाँ वो वहाँ पे मिल जाएंगे जो मेजर फूड कोर्ट है वो ग्रीनजी है वो सीवी रमन के सामने होने वाला है सबसे बड़ा आई थिंक वही है ग्रीनजी है फूड कोर्ट पर लेकिन वहाँ पे स्टॉल्स ठीक ठाक ही हैं वहाँ पे योर चॉइस का पफ खा के देखना अच्छा है ठीक है ना और जो सबसे बढ़िया चाय मिलती है बारूल में वही यूटोपिया में थम्पीज वाली साउथ इंडियन आउटलेट वाले की ठीक है क्या गजब जाए होती है छोटी सी कैंटीन है ठीक है वहां पे एक नायरा नाम की कैंटीन है यूटोपिया में अगर किसी को पेट की दिक्कत है तो भाई वहां मत जाइयो वहां की फूड क्वालिटी बहुत ज्यादा वेरी करती है ठीक है अगर तू संडे को जा रहा है अगर वहां पे रश है तेरे तो को कतई गंदा खाना मिलने वाला है उस कैंटीन में सस्ता मिलेगा पर कतई गंदा मिलेगा और जितनी भी सब्जियां वगैरह मिलेंगी ना तुम्हें तो कैंटीन में सबकी मेजरली ग्रेवी सेम ही रहने वाली है और जो समझ रहे हैं कि गुजरात में नॉन वेज नहीं मिलता भाई तेरे को वेज आउटलेट्स बहुत कम मिलने वाले हैं यहाँ पे मेजरली यहाँ पे नॉन वेज आउटलेट्स ही मिलेंगे वेज और नॉनवेज मिक्स मिलेंगे या फिर नॉनवेज मिलेंगे अकेला जो वेज है वो थम्पीज वाला ही मिला है मेरे को अभी तक सिर्फ या फिर वो पेस्ट्री यूर चॉइस वाला वहां पे भी आई थिंक एग वगैरह होता हो तो मेरे को नहीं मालूम तो वहाँ पे तेरे को तुम लोगों को वो मिल जाएगा यूर चॉइस का पफ खा के देखना और पहाड़ी मोमोज के मोमोज क्योंकि मोमोज तो सिर्फ वहीं पे जो मोमोज के फैन है वहां पे सिर्फ ग्रीनजी में उनको मोमोज मिलने वाले हैं या फिर कैपिटल में जो थर्ड मेजर फूड कोर्ट है वो कैपिटल है वो गर्ल्स हॉस्टल के बाजू में है जो रात को गर्ल्स हॉस्टल के पास जाना चाहते हैं वो नौ बजे तक कैपिटल में बैठ सकते हैं ठीक है नौ बजे के बाद वहां पे गार्ड बैठने नहीं देगा भगा देगा गर्ल्स हॉस्टल की वाली साइड आठ बजे के बाद जाना ही बंद हो जाता है पर लेकिन कैपिटल में तुम लोग जा सकते हो बात रही प्लेसमेंट की देखो कॉम्पिटिशन इतना है प्लेसमेंट का तुम ऑफ कैंपस ही मान के चलो ठीक है जो मेजर हाई प्लेसमेंट जो रही है आज तक हाईएस्ट पैकेज इस साल मेरे सीनियर जो है उनमें से किसी का ट्वेंटी सेवन एल पी ए का लगा है मान के चलो कि तुम्हें खुद के बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने वाले हैं क्योंकि करने पड़ेंगे यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन हद से ज्यादा है स्पेशली बीटेक में इंटर्नशिप वगैरह यहाँ पे पेड इंटर्नशिप के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है पेड इन द सेंस वो आपको पे नहीं करेंगे आप उनको पहले कुछ मिनिमल अमाउंट उनको पे कर दीजिए उसके बाद स्टाइपेंड वो आपको मिलेगा वो भी पक्का पता नहीं क्योंकि मैंने अभी तक कोई स्टाइपेंड वाली लगाई नहीं है इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे तो इतना आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो अबाउट दैट क्योंकि जो भी इंटर्नशिप वगैरह है वो मैं ऑफ कैंपस ही करूंगा ऑन कैंपस मेरे को कोई इंटर्नशिप करने में इंटरेस्ट भी नहीं है ठीक है आप इंटर्नशिप यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपके आप अपनी खुद की फील्ड में इंटर्नशिप नहीं लगानी तो आप यहाँ पे जो वो है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर वहां पे इंटर्न बन सकते हो पर लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है सेकंड ईयर में तुम्हें यहाँ पे जावा पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट ईयर पूरा आपका सी रहेगा ठीक है सी लैंग्वेज अगर किसी को है कि पहले करना चाहता है भाई सी लैंग्वेज करके आई हो यहाँ पे सी लैंग्वेज ही होगी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स होगी ठीक है दो इंस्टीट्यूट है बीटेक वालों के भी पी और पी आई पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट है एक जो पीआईटी है वो रोड हाईवे के उस साइड है दूसरी साइड है जहाँ पे सरदार वगैरह है सरदार भी थ्री शेयरिंग वाला हॉस्टल है अच्छा हॉस्टल है अगर किसी को बाहर आना जाना हो रहना हो तो वो सरदार कंसीडर कर सकता है पर लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ दूर है कोई नहीं चलो होता है तो आ, अटल क्या बोलते अटल से तो बहुत नजदीक है एडमिन मतलब सरदार एडमिन के बहुत नजदीक है एज कंपेयर टू अटल भाईवे के पार होने के बाद भी हाँ कॉलेज किट भी मिलेगी आपको वो हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है बीटेक वालों को मैं बता देता हूँ हमारे जब हम लोग लेने गए थे हमें एक बैग मिला ठीक है फो, इसकी फोटोज वगैरह नहीं लगाने वाला मैं क्योंकि मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल भी नहीं है मैं घर पे आ रखा हूँ और मेरा बैग वगैरह सारा मेरे फ्लैट पे पड़ा है हमें एक बैग मिला कैलकुलेटर मिला किट मिली किट इन द सेंस वो पाउच होता है वो मिला उसके साथ एक बैच मिला आई लव पी यू वाला एक टी शर्ट भी मिलनी बाकी है हमें नहीं मिली क्योंकि तब अवेलेबल नहीं थी हम जाके क्लेम कर सकते हैं अभी भी एक टी शर्ट मिलेगी पी यू वाली साथ में कैलकुलेटर कैलकुलेटर बता दिया क्या मैंने हाँ एक कैलकुलेटर मिलने वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा साइंटिफिक इन द सेंस कि ठीक है बेसिक वाला साइंटिफिक मिलेगा आपको ज्यादा ग्राफ वगैरह सोल्व नहीं होंगे उस पर मेजरली कई बार मैथ्स एरर भी आ ही जाता है उसमें थोड़ा कौन सी कंपनी का था मैं खुद भूल गया यार वो कंपनी जो भी है यार मैं मेंशन कर दूंगा यहीं पे कहीं पे यार थोड़ा सुधार करो अपने कैलकुलेटर्स में चाहे छे सौ रुपए का कैलकुलेटर है पर एटलीस्ट उसमें सुधार तो करो मैथ रा रा रहा उसमें। काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ए सी ले या नॉन ए सी लें देखो मैं अपने हिसाब से बताऊ ए सी लो जो टैगोर है ठीक है प्रीमियम हॉस्टल सबसे पहले और सबसे जल्दी फील होता है वो टैगोर और, और एक सरदार बहुत जल्दी फील हो जाते हैं अभी जो आ चुके हैं हॉस्टल बुकिंग उन लोगों की हो चुकी है ठीक है जो अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनसे पहले काफी लोगों की हॉस्टल बुकिंग हो चुकी है अब टैगोर वगैरह अवेलेबल भी नहीं रहे हैं ऑन द स्पॉट आपको सिर्फ आजाद या फिर अटल मिलेगा तो आपको उसमें वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे साथ भी हुआ था मैं सोच रहा था कि यार कोई नहीं जब एडमिशन करवाने जाएंगे बाद में मिल जाएगा कौन सा भरने लगे हैं पर लेकिन मेरे साथ हुआ मेरे को टैगोर लेना था मैं टैगोर नहीं ले पाया टैगोर की जगह मेरे को मिला अटल क्योंकि सिर्फ वही एक अवेलेबल था फोर्स शेयरिंग में जो कि मेरा बहुत वो हुआ बहुत रिग्रेट हुआ क्योंकि मेरे को फोर शेयरिंग बोल के एट शेयरिंग मिला बस वो चार बेड के बाद एक लकड़ी का पार्टीशन बना रखा है उसमें भी वो पार्टीशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है और अयटल में जियो एयरटेल फर्स्ट फ्लोर पे नेटवर्क एक्सपेक्ट मत करना रूम्स के अंदर ठीक है नहीं आने वाला और जो वाईफाई है हॉस्टल्स में वो रात को बारह बजे के बाद बंद हो जाता है वाईफाई ऑन रहता है पर उसमें सिग्नल नेट नहीं आता इंटरनेट बंद हो जाता है बारह बजे के बाद तो जो भी काम हो वो बारह बजे से पहले कर लेना मेजरली बहुत सारी नाइन्टी परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट वेबसाइट इनके वाईफाई पे ब्लॉग है तो वो आपको वीपीएन लगा के चलानी पड़ेंगी ठीक है वीपीएन इतना कामयाब है नहीं यार क्योंकि वीपीएन वो कर देता है क्या बोलते हैं स्पीड स्लो कर देता है कर लेना यार कोई नहीं और जो आपको वो होगा कनेक्ट करने के लिए पारल से आपको एक वाउचर लेना पड़ेगा क्योंकि पहले जो पी यू वाई फाई क्लाउड था वहां पे गेस्ट यूजर था वो एस एम एस वगैरह के थ्रू आपको आ जाता था पासवर्ड वगैरह पर लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है वो आपको पहले एडमिन जाना पड़ेगा टेक्निकल सेल में वहां जाके आपको वाउचर लेना पड़ेगा वाईफाई यूज करने के लिए हॉस्टल में अगर आपको अभी तक परमानेंट आईडी पासवर्ड नहीं आया तो वो जो परमानेंट आईडी पासवर्ड है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में ही मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको परमानेंट आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि वो जो आपका आईडी है वो आपका एनरोलमेंट नंबर होने वाला है पासवर्ड जो होगा वो आपका सेकंड सेमेस्टर का एमएफटी यानी माय फर्स्ट टीचर या फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव ठीक है जो पूरा आपका एक सेमेस्टर के लिए होता है हर सेमेस्टर चेंज होता है हर सेमेस्टर फैकल्टी भी चेंज होती है फर्स्ट सेमेस्टर आपका बैच भी शफल होगा आए हो इंडक्शन शायद लगेगा आपका लगे ना लगे आई डोंट नो मेरा हमारा लगा था इंडक्शन में जो दोस्त बने थे वो सारे के सारे शफल हो गए थे बाद में जब हमारा प्रॉपर बैच बना था ठीक है सारे के सारे शफल हो गए थे बाद और सेकंड सेमेस्टर में फिर से और सफल हो गए और जो दोस्त आए थे इंडक्शन साथ में वो भी अलग अलग हो गए ठीक है तो आप ये सोचो सोचोग करोगे साथ में होगा तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो तुम्हारा है तुम्हारे नेम के बेस पे होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के इस बेस पे वो बटेंगे क्या बोलते हैं बैचेस बटेंगे और जो थर्ड सेमेस्टर होगा वो एक असेसमेंट टेस्ट होगा आपका उसके उसके स्कोर पे बेस पे, पे आपको थर्ड सेमेस्टर के बैचेस मिलेंगे ठीक है अब हम क्वेरीज लेने वाले हैं यूट्यूब कमेंट से एक बंदे ने पूछा है भाई शास्त्री भवन एक कैसा है प्लीज रिप्लाई भाई शास्त्री भवन मैं बता रहा हूँ सबसे पुराना बना हुआ है अच्छी फैसिलिटी है सबसे नजदीक भी वही है एडमिन के मंदिर के पास भी सबसे वही है जो आप लोगों ने साई बाबा का वाला मंदिर देखा होगा पार्वल के सिनेमेटिक्स वीडियोज में अच्छा बना हुआ है सुंदर बना हुआ है जा सकते हो सबसे नजदीक शास्त्री है वहां पे ठीक है सबसे पहला हॉस्टल भी शास्त्री है कैन यू गेट समर्ल टू स्पीक फॉर दिस फॉर हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल एज वेल इन सबके जो मैं पूछ रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है इन सबके मैं स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगा यहाँ पे या आई गेट माई फ्रेंड फॉर यू ताकि वो गर्ल्स हॉस्टल के लिए बोले अगर हो सका तो मैं इसमें डाल दूंगा और नेक्स्ट स्पेसिफिक एक मिनट का शॉट डालूंगा गर्ल्स हॉस्टल के लिए ठीक है क्योंकि ये मेरे को वीडियो कल अपलोड करनी है मैं रात भर बैठ के इसको एडिट करने में बैठूंगा एक बंदे ने पूछा यहाँ ले सकते हैं एडमिशन के नहीं मैं सोच रहा कोई प्राइवेट ठीक ठाक फीस में कोई बताओ भाई देख सबसे बेस्ट ऑप्शन है यही ठीक ठाक फीस में ठीक है अगर तेरा बजट है तो जा सकता है तू तो कहीं भी भैया वडोदरा में ठंडा कैसा पड़ता है हम भी एडमिशन लिया बट सच कहे ए सी नॉन ए ले सजेस्ट करिएगा ए ले ले भाई ए ठीक है क्योंकि पूरा साल गर्मी होती है ठंडी नहीं पड़ती यहाँ पे थोड़ी बहुत पड़ती है मिनिमम टेम्परेचर भी आपको एसी की तरह अठारह डिग्री ही मिलने वाला है यहाँ पे पर लेकिन ए जितना ठंडा नहीं होता भैया आप कौन सी ब्रांच में हो प्लीज आपका ऑनस्ट रिव्यू दीजिए साइबर सिक्योरिटी और सीएस ब्रांच पर प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए बिकॉज मैं यहाँ आने की सोच रहा हूँ भाई देख मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है ठीक है अच्छा है आ सकता है पर कंपटीशन हद से ज्यादा है ब्रो इज इट कम्पल्सरी टू स्टेट होस्टल के अनु हाँ भाई बाहर रह सकते हो तुम लोग कोई कम्पल्सरी हैस्टल में ही हॉस्टल में ही रहना है बल्कि अगर आप फर्स्ट ईयर में ही बाहर रह रहे हो तो आपको सिक्योरिटी चार्जेस रिफंड वगैरा का टंटा नहीं करना पड़ेगा बाहर आप रह सकते हो जरूरी नहीं है भैया आप कौन से फैकल्टी से हुँ? मैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीटेक कर रहा हूँ सी एस सी सेकेंड ईयर में हो गया हूँ मैं अब ठीक है सीनियर हूँ तुम्हारा इज्जत से भैया आप सेल्फ स्टडी कहाँ पे करते हो हॉस्टल में तो नहीं कर सकते हाँ ये सेल्फ स्टडी वाला ये भाई ने सही याद दिलाया देखो सेल्फ स्टडी जो है हॉस्टल में भी कर सकते हो तुम अगर तुम काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रह सकते हो तो ही तुम हॉस्टल में सेल्फ स्टडी कर पाओगे अगर मीडियम कॉन्सेंट्रेशन है तो भी कर पाओगे एग्जाम से पहले सबको डर लग रहा होता है तो वहां तुम हॉस्टल कर सकते हो वरना एक रीडिंग रूम है एक लाइब्रेरी भी बन रही है की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नई बन रही है, ठीक है और एक रीडिंग रूम है एडमिन में जाके पढ़, पढ़ सकते हो वरना सात बजे तक, तक तुम वहां पे बैठ के आराम सेल्फ स्टडी कर सकते हो वहां पे फोन चलाना फोन वगैरह चलाना अलाउड नहीं है अंटिल और अनलैस तुम लोग क्लासेस लगा रहे हो उस पे ठीक है वरना कॉल वगैरह भी अलाउड नहीं है तुम्हें सर बाहर भेज देंगे ब्रो आई have टू स्टडी बी टेक इन पार्वल यूनिवर्सिटी कैन यू प्लीज पर्सनली हेल्प मी विद भाई देखो जो भी क्वेरीज है इंस्टा पे भेज दो जब मेरे पास टाइम हुआ या जब मैंने इंस्टा खोला तो तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंस्टा पे कॉल वगैरह मत करो ठीक है इंस्टा और मैं नंबर नहीं दूंगा अपना किसी भी हद पे ना मैं अब कभी लीक होने दूंगा अपना नंबर ठीक है कैन आई गेट यूर इंस्टा आई वॉन्टेड टू आस्क यू समय भाई देखो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, में मेरा इंस्टा फेसबुक सब कुछ मैंशन में, रहता है अगर किसी ने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया डिस्कॉर्ड में वगैरह में पूछना होता है कुछ भी तो जाके डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं डिस्कॉर्ड पर भी कभी कभी एक्टिव रहता हूँ वहां पर भी तुम्हारी क्वारीज का मैं बता सकता हूँ भैया आपसे कॉल देखो भाई मैंने अभी बताया नहीं हो सकती भाई गर्ल्स हॉस्टल में कभी गए हो देख भाई मैं गर्ल्स हॉस्टल में कभी नहीं गया तू भी जाने की गलती मत करियो वरना ऐसा तेरे पे वो होने वाला है यहाँ पे एक तो तेरे को रश्टिकेट अलग से करेंगे तेरा फाइन अलग से लगेगा तेरे को। ठीक है तेरे पेरेंट्स की मतलब ऑल इंसल्ट ही है हर तरफ हर तरफ से ठीक है तेरे पे ही मत गलती भी मत कर लियो और है भी नहीं कुछ इतना ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दे लो तुम लोग हेलो भैया एक बार आप आजाद भवन ए का हॉस्टल रिव्यू कीजिए प्लीज अगर मेरा कोई अभी फ्रेंड हुआ तो इसका भी मैं शॉर्ट्स में ही डाल दूंगा आजाद भवन ए का काम वो टूर एक मिनट की वीडियो डाल दूंगा पूरी जाके देख लेना अगर रीच नहीं आई तो तुम्हारी गलती होगी वो मेरी गलती नहीं होगी ठीक है ना अगर मैंने वो शॉर्ट डाला और तुम लोगों ने नहीं देखा और ना अगर इस वीडियो को तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी पारोल मने वाला है उसको शेयर नहीं किया तो इतनी मेहनत ऊपर से शेयर भी नहीं करोगे और कुछ लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते फोर्टी परसेंट आते हैं सब्सक्राइब कर लो यार कोई वजन आ रहा तुम्हारा है अगले उसपे आते हैं भैया अटल भवन बी बीटेक सीएससी कॉलेज से कितना दूर है भाई मैं अटल भवन बी की ही बात कर रहा हूँ गंदी दोपहर में बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है जाते जाते ऊपर से बैग होगा ऊपर से पसीने वाली गर्मी होती है इस साइड इतनी उमस ह्यूमिडिटी वाली गर्मी जो होती है ना गंदी वाली वो गर्मी है तो अटल भवन भी से पंद्रह मिनट की वॉक है मेरे लिए मेरे दोस्तों के लिए भी अगर कोई तेज चलने वाला तो ज्यादा दस मिनट की वॉक है मान के चलो एक डेढ़ किलोमीटर दूर है कैंपस के अंदर ही ठीक है कैंपस के बाहर नहीं है वो कैंपस के अंदर ही डेढ़ सौ एकड़ से वो है ना एकड़ में फैला हुआ कैंपस है और अभी पारुल और भी जमीन खरीद रहा है तो और भी बड़ा बन सकता है ठीक है ना तो चलो बस इस वीडियो में फिर इतना ही अगर किसी की क्वेरी रह गई हो तो यार देखो इंस्टा में मैसेज कर लेना मैं उनको सॉल्व कर दूंगा और यूट्यूब में भी नीचे कमेंट में डाल सकते हो अगर किसी का कमेंट रिव्यू के लिए नहीं रुकता तो मैं उस को उस पर रिप्लाई कर दूंगा अगर किसी दिन मेरा ध्यान पड़ा कि कमेंट रिव्यू में पड़ा है तो मैं उसे रिलीज करके उसका रिप्लाई कर दूंगा ठीक है इंस्टा भी फॉलो कर लो यार ये यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा कहीं पे थोड़े तो मतलब इज्जत रखो अपने भाई की थोड़े तो फॉलोअर्स ठीक है चलो बस फिर दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो मीट इन द नेक्स्ट वन एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ठीक है And turn on the bell notification for the new updates of my new videos. This was it for this video. Meet on the next one. Till then, take care. See you. Bye.